Welcome to my channel Technical Learning. Today my topic is what is a clause and what are the different types of clause. So let's start it. So first of all, what is a clause? So a clause is a mechanical device that engages and disengages the power transmission, especially from the driving shaft to the driven shaft. मतलब कि हमारा इंजन से जो भी पावर आउटपुट निकलता है वो हमारा क्लच शाफ्ट एक मीडियम है जो कि इंजन के पावर को हमारा गियर बॉक्स तक पहुंचाने का एक मीडियम होता है, वही हमारा क्लच निभाता है. सो द इन द सिंपलेस्ट एप्लीकेशन, क्लच कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड टू रोटेटिंग शाफ्ट, दैट मीन्स द ड्राइविंग शाफ्ट एंड द लाइन शाफ्ट. इन दिस डिवाइस वन शाफ्ट इज टिपिकली अटैच टू एन इंजन और अदर इज पावर यूनिट, दैट मीन्स द ड्राइविंग मेम्बर. जो हमारा इंजन से जो पावर यूनिट या फिर जो शाफ्ट आता है वो होता है ड्राइविंग मेम्बर, एंड द अदर इज ड्रिवन मेम्बर, दैट मीन्स द क्लच शाफ्ट इज ए ड्रिवन मेम्बर, प्रोवाइड्स द आउटपुट फॉर वर्क. जो हमारा इंजन से जो आता है, याद रखिए, जो हमारा इंजन से जो आता है वो है ड्राइविंग मेम्बर, और जो इंजन के शाफ्ट को स्प्लाइंस के द्वारा जो क्लच प्लेट जो जॉइंट करता है जो भी शाफ्ट को, दैट मीन्स द क्लच शाफ्ट इज कॉल्ड ड्रिवन मेम्बर. सो एवर क्लियर अबाउट व्हाट इज अ क्लच? सो नेक्स्ट वन इज आवर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लच. सो देर आर मेनली 9 टाइप्स ऑफ क्लचेस, लाइक फ्रिक्शन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, कॉनिकल स्प्रिंग क्लच और डायफ्राम क्लच, लाइक पॉजिटिव क्लच, हाइड्रोलिक क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, वैक्यूम क्लच, ओवररनिंग क्लच और फ्री व्हील क्लच. जो हमारा फ्रिक्शन क्लच है उसके अंदर में 3 क्लच आते हैं, लाइक सिंगल प्लेट क्लच, मल्टीप्लेट क्लच, वेट और ड्राई, कोन क्लच, एक्सटर्नल और इंटरनल. और जो हमारा जो सिंगल प्लेट क्लच होता है वो हमारा लाइक हेवी व्हीकल्स लाइक ट्रक, बसेस एंड कार्स में यूज होता है, और जो मल्टीप्लेट क्लच होता है वो हमारा बाइक्स और टू व्हीलर वगैरह वगैरह में यूज होता है. ऐसे ऐसे होता है और क्या, और हमारा कॉनिकल स्प्रिंग क्लच और डायफ्राम क्लच के अंदर आता है टैपर फिंगर ट्रैप और क्रॉन स्प्रिंग टाइप. जो क्लच हमारा यूज होता है कॉनिकल स्प्रिंग क्लच के अंदर, और ऐसे. सो दिस वन इज कंप्लीट.